नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल फैक्ट मास्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। UPTET की परीक्षा 15 तारीख को है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि बाल मनोविज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। बाल मनोविज्ञान में कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आपको देख लेना है। और ये बाल मनोविज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमें पता होता है कि 30 केवल 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बाल मनोविज्ञान से लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहला, बाल मनोविज्ञान जो आपका सेक्शन होगा उससे 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 30 अंक। नंबर दो, जो पर्यावरण का आपका सेक्शन होगा उसमें से भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नंबर तीन, गणित में आपको 5 से 8 क्वेश्चन मिल सकते हैं। नंबर चार, हिंदी, गणित में आप 5 मान के चलो, 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको। हिंदी में भी 5 या 5 से ज्यादा भी आ सकते हैं, और इंग्लिश और संस्कृत में 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बाल मनोविज्ञान से लगभग 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 अंक के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बाल मनोविज्ञान पूरे पेपर में प्रभावी रहने वाला है। मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। ये सब्जेक्ट बाल मनोविज्ञान ही बहुत महत्वपूर्ण है UPTET अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए। मैं बता देता हूं, नंबर दो जो पॉइंट है वो है समझ। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो केवल समझ पे आधारित होते हैं, और कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग गलती कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो समझ का मेरा मतलब है कि जो भी क्वेश्चंस हों आपके, जो भी पेपर में आए, उनको आप सीरियसली पढ़ें, और उनको यदि आप कहीं पढ़ा रहे हो तो अपने बच्चों पे अप्लाई करें, स्कूल के बच्चों पे अप्लाई करके देखें और तब उसका आंसर निकालें। इसके लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा और उसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, जो भी ऑप्शंस आपके दिए हैं उनको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी जल्दबाजी में गलत हो जाता है। और मैं बताता हूँ बाल मनोविज्ञान में इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी जो हमें रिवाइज कर लेनी है, जो हमें पढ़ लेनी है जरूर। अभी लगभग 2-3 दिन का वक्त है हम लोगों के पास, 3-4 दिन का वक्त है, 4 दिन में हम रिवाइज कर सकते हैं। तो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो है वो है कि समझ, तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आपको क्या क्या करना है। और तीसरी जो मेन बात है, अवस्थाएं। बाल मनोविज्ञान में जो शिशु की अवस्थाएं बताई गई हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, पौढ़ावस्था आदि अवस्थाएं जो बताई गई हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब भारतीय विद्वानों के अनुसार तो लगभग 7 तरीके की बताई गई हैं, उसमें कोई विशेष पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन यहां पर जो अवस्थाएं बताई गई हैं जीन पियाजे के द्वारा वो बेहद महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे के द्वारा लगभग सभी परीक्षाओं में जीन पियाजे के सिद्धांत और उनकी जो अवस्थाएं लगभग पूछी गई हैं,
तो जीन पियाजे की अवस्थाएं जो हैं, एक एंड्रीजेनिक नामक अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से आगे तक। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जरूर। और जो 5वीं सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ये, जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, परिभाषाएं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बुद्ध की है, अधिगम की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं आप जो मेन मेन है, जैसे थॉर्नडाइक है, स्किनर है, इन सब की आप देख लेंगे। नंबर 6, छठा जो पॉइंट है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं बुद्ध की बात कर रहा हूं, बुद्ध, बुद्ध से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसे बुद्ध लब्ध भी जो है, इसका सूत्र पूछ सकते हैं कि बुद्ध लब्ध का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र पूछ सकते हैं, और बुद्ध की विभिन्न परिभाषाएं हैं वो पूछ सकते हैं। तो काफी बुद्ध के जो, और हाँ, बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, बुद्ध के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप देख के जाइएगा। इसमें से जो बुद्ध के जो सिद्धांत है, इसमें एक स्पीयर में इनने दिया है द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत स्पीयर मैन का, ये महत्वपूर्ण है। और एक थ्योरी दी गई है बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों को तो आप बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। ये टू फैक्टर थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, और एक और थ्योरी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप तत्व का सिद्धांत, तो ये आप पढ़ लेंगे। द्विकारक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें टू फैक्टर इन्होंने बताए, यस और जी, एक स्पेसिफिक होता है, ये विशिष्ट होता है एक जना, तो इनको आप जरूर पढ़ते जाएंगे। और एक और सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा, 7 नंबर पे है गिलफोर्ड का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको पढ़ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट में आता है ये गिलफोर्ड का सिद्धांत। इसमें भी इन्होंने जो विश्लेषणात्मक तकनीक पे इन्होंने बनाया है कि संक्रियाओं के माध्यम से मानसिक चेष्टा होती है, फिर तत्परता कार्यशीलता आती है बच्चे में, तो इन्होंने पहले संक्रिया, फिर सूचना, फिर उत्पाद को डिवाइड किया है। तो इसको गिलफोर्ड मॉडल को आप पढ़ लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मतलब चलते चलते अब देख लें, 3 दिन बचा है आपके पास, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर आप बाल मनोविज्ञान में अर्जित कर सकें। और फिर आता है 8 नंबर पे भाषा विकास के सिद्धांत, आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही, भाषा विकास के सिद्धांत में आपका जो मेन है, एक सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत देख लीजिएगा। वैसे इसमें ज्यादातर पूछते हैं अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये स्किनर ने दिया था, ये आप देख ले। और अब मैं बात करता हूं, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि प्रतिभाशाली छात्र और क्रिएटिव छात्र, यानी कि सृजनात्मक
छात्र, ये आप जरूर पढ़ के जाएंगे। प्रतिभाशाली बुद्ध, प्रतिभाशाली की बुद्ध लब्धि क्या होती है, सृजनात्मक की बुद्ध पूछ सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अधिगम के नियम। अधिगम, अधिगम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके नियम जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है अधिगम का, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे थार्नडाइक ने दिया था, थार्नडाइक ने, याद रखिएगा, इसे थार्नडाइक ने दिया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिगम के सिद्धांतों में से एक है। और मैं आपको बता रहा हूं, एक जो अधिगम का सिद्धांत, हाँ, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये थार्नडाइक ने एक बिल्ली पे प्रयोग किया था। घर के बाहर कुछ ब्रेड के टुकड़े रख दिए थे और बिल्ली को बंद कर दिया था। बिल्ली जानती नहीं थी, लेकिन सूंघ कर वो धीरे धीरे, जब उसको भूख लगी तो धीरे धीरे उन टुकड़ों तक पहुंच गई। फिर क्या करती थी वो, उसको रास्ता इतना याद हो गया था कि पहले तो भूलती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने, ये भी पूछ सकते हैं कि प्रयास भूल के सिद्धांत में थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया, तो आप बता सकते हो बिल्ली, बिल्ली पे प्रयोग किया। कभी कभी पूछ लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सूझ का सिद्धांत। ये बहुत आता है, सूझ या अंतर्दृष्टि या इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी करके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सूझ का सिद्धांत। इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था। सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, कोहलर आपको रटा होना चाहिए। और कभी कभी पूछ लेते हैं कोहलर ने इस पे किस पे प्रयोग किया, तो कोहलर ने प्रयोग किया था चिंपैंजी पे, चिंपैंजी पे। चिंपैंजी को उन्होंने बंद कर दिया था एक पिंजरे में और ऊपर छत की तरफ केले लटका दिए थे और यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रख दिए थे लकड़ी के। और जब उसे भूख लगी तो वो प्रयास करने लगा ऊपर जाने का। पहले उसने एक गुटका रखा, वो पहुंच नहीं पाया। फिर तीनों गुटके उन्होंने समान रख दिए, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक रख दिए। फिर भी वो उस पर चढ़ नहीं सका। फिर उसको, उसने थोड़ी देर बाद फिर कोशिश की, फिर उसने टुकड़ों को कुछ इस तरीके से अलग अलग रखा जिससे उस पर सीढ़ियां बनती गई। फिर सीढ़ियों के सहारे चढ़ करके उसने जो है अपनी भूख मिटाई। तो कोहलर ने चिंपैंजी पे किया था। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें पूछ लेते हैं कभी कभी कि कोहलर ने किस चिंपैंजी पे किया था, उसका नाम क्या था। जी हाँ, उसका नाम था सुल्तान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही सब कुछ आपको 11 जो पॉइंट मैंने बताए हैं इनको आपको देख लेना है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपने इतना देख लिया तो 50 में से आप 35 से 40 तक आप कवर कर लोगे, जो कि जैसे आप गणित में कवर नहीं कर पाते हो या इंग्लिश में कवर नहीं कर पाते हो, तो आपका मनोविज्ञान मजबूत रहेगा, तो आप प्रत्येक सेक्शन में अच्छा कर लोगे। दोस्तों, उम्मीद है आप पूरी तरीके से बाल मनोविज्ञान के बारे में समझ गए होंगे। और यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो एक मेरे नोट्स हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के नोट्स ले सकते हैं। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।